फरीदाबाद बल्लभगढ़ के 100 फुटर रोड स्थित डोमिनोज पिज्जा हट के पास एक दुकान मालिक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया और पुलिस को सूचना दे दी गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल का है। यहाँ पर एक युवक को घायल अवस्था में लाया गया। परिजनों की माने तो घायल की दुकान बल्लभगढ़ सॉफ्ट रोड पिजाट के पास, जहाँ पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने दुकान मालिक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में घायल को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। हालांकि परिजनों का कहना है कि अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस को सूचना दे दी है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर की माने तो एक युवक उनके पास घायल अवस्था में पहुंचा है, जिस पर लगभग चाकू से दो बार उसके पैर पर वार किया गया। घायल का इलाज कर दिया गया है और पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है। उसका भतीजा हूं, ये हमारे चाचा लगते हैं, वो अपने शॉप पे काम कर रहे थे और कुछ लड़के 100 फुट रोड के कोने पे। जी हाँ जी, दो तीन लड़के आए और उनके पैर में चाकू वगैरह मार के और वहाँ से फरार हो गए। ये अज्ञात बंदे थे, हमें नहीं पता नहीं है, वो डोमिनोज के पीछे रहता है जिसका नाम लखन बताया गया। पुलिस आई है, यहीं पर ही है, पुलिस ने सूचना दी है। पुलिस आया हमारे साथ, ये कोई कुलदीप है, सन ऑफ मोतीलाल आजाद नगर, इसका डोमिनोज के आसपास इसकी दुकान है। दुकान पे आके कोई दादा रहते हैं आपसे, शायद इसको कुछ चोटें लगी हैं, जिसका मेडिकल हमारे पहले वाले जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने काट दिया है और बाकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है, पुलिस ने आके बयान भी ले लिया।